Shaytan, 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 sha
माशाल्लाह अब माह रमज़ान की आमद आमद है और ये कसरत इबादत का वक्त है और कसरत सदक़ात का कि इसमें जितनी खैरात की जाए, सदक़े दिए जाएं, जितनी लोगों की मदद की जाए, जितनी इबादत की जाए वो उतना कम है। इस्लाम एक ऐसा वाहिद मज़हब है कि जिसने खिदमत और इबादत को जोड़ दिया, यानी कि हम पे ज़कात फ़र्ज की गई और इस माह में अदायगी का बड़ा सवाब भी है ज़कात का कि फ़ौरन अदा कर दी जाए, तो ये खिदमत है लोगों के लिए। और इसी महीने में कसरत इबादत का भी हुक्म आया कि कसरत से इबादत की जाए जिसका सवाब बढ़ जाता है आम दिनों की इबादत की बनिस्बत। तो इस्लाम जो है वो हमें अकीदे के साथ साथ इखलाक सिखाता है और इबादत के साथ साथ खिदमत सिखाता है, यानी कि इबादत जो हम करते हैं उसका ताल्लुक तो राहे लिल्ला है, अल्लाह के लिए है, और उसका फ़ायदा भी इनफरादी है, यानी कि कुछ जो बंदा इबादत करता है उसका सवाब उसी को है, लेकिन खिदमत का ताल्लुक जो है वो इखलाक से है और उसका ताल्लुक खल्क से है। इंसान को रोज़ा रखने में कुछ नहीं देना पड़ता, उसकी जेब से कुछ नहीं जाता, नमाज़ें पढ़ने में, तरावी पढ़ने में, कसरत इबादत करने में उसकी जेब से कुछ नहीं खर्च होता। तो ये बंदे पे हल्का है और उसका फ़ायदा भी इनफरादी है, लेकिन अल्लाह की राह में जब पैसा खर्च करता है, माल खर्च करता है, अपने असबाब खर्च करता है, तो ये उस पर थोड़ा सा बर्डन करता है। और अल्लाह तबारक व तआला बंदे से ये चाहता है कि वो अपनी अजीज चीज़ को खर्च करे। तो इंसान के लिए दो चीज़ें ज़्यादा अजीज़ हैं, एक उसकी सेहत
और एक उसका माल और असबाब। तो अल्लाह की मोहब्बत के इजहार के लिए अपने माल का खर्च करना लाजिम है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने खिदमत और इबादत को जोड़ दिया। जो लोग सिर्फ इबादत करते हैं मगर अल्लाह की राह में अपना माल खर्च नहीं करते, तो उनको वैसा फायदा नहीं होता जो अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं। देखो कुरान हुक्म दे रहा है, ज़कात तो हम पे फर्ज है, वो तो हर हाल में हमने अदा करनी है। तो जो फराइज हैं हम पे, वो तो हम पे कर्ज है, वो हमने हर हाल में अदा करना है। मिसाल के तौर पर जो नमाज़ें फ़र्ज हैं, हम वो अगर फ़र्ज नमाज़ें अदा करते हैं, रोज़े फ़र्ज हैं हम रोज़े अदा करते हैं, फ़राइज़ अदा करते हैं, ज़कात फ़र्ज है वो अदा करते हैं, तो ये हम पे अल्लाह का कर्ज है। लेकिन जब हम अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं तो वो निफली इबादत से करते हैं, वो हम निफली इबादत से करते हैं और अल्लाह की राह में अपना माल निफली तौर पर खर्च करके करते हैं। यानी ये खैरात करना, ये निफली खर्च करना है, सदकात देना, गरीब गुरबाओं का ख्याल करना, गरीब गुरबाओं को अपने रिस्क में शामिल करना, तो ये क्या है, ये हमारी मोहब्बत का इजहार है अल्लाह तबारक व ताला से। पिछली उम्मतों में भी ये बात रही कि उन पे भी फराइज थे, रोज़े भी फ़र्ज किए गए, नमाज़ें भी फ़र्ज की गईं। अहदीस में जो मिलता है कि पिछली उम्मतों में और इस उम्मत में जो चीज़ फ़र्क करती है वो है सहरी करना। अल्लाह तबारक व ताला ने सहरी हमें तोहफे में दी है इस उम्मत को, और इसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बरकत है। तो ये एक अलग चीज, एक एक्स्ट्रा तोहफा मिला इस उम्मत को इसमें। और क्यों कि इस उम्मत की उम्रें पिछली उम्मत की बनिस्बत कम है, तो अगर इनकी इबादत काउंट की जाए तो कम हो जाती है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इस उम्मत पर यह एहसान किया कि इसमें एक रात ऐसी दे दी कि अगर उसमें तुम इबादत करो तो 1000 महीनों की इबादत का सवाब मिल जाए। जैसे कि अल्लाह तबारक व ताला लैलतुल कद्र के लिए फरमाता है कि इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, हमने इसमें एक रात नाजिल कर दी जिसमें वो कुरान नाजिल किया एक रात में। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम उसकी हकीकत और तुम उसकी बरकतें को नहीं पा सकते, नहीं समझ सकते, तुम्हारा अदराक नहीं है उसके लिए कि वो कितनी अहमियत की रात है। तो ये एक हमें जो रात मिली, ये भी एक एक्स्ट्रा मिली है इबादत, और ये भी एक नेमत एक्स्ट्रा है पिछली उम्मतों की बनिस्बत। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी नेमतों को तमाम किया है। तो अब हम जो है, हम इसके शुक्र में अपने जिस्मों से भी,
और अपने माल और असबाब से भी, अपने एमाल और अफाल से भी उसका शुक्र अदा करें, ताकि अल्लाह ताला हमें और मज़ीद बरकत दे। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने एक शख्स को बहुत तलाश करा अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मुझे नहीं मिला। लोगों ने पूछा कि हज़रत कौन से शख्स को, उन्होंने कहा कि मैंने ज़िंदगी में ऐसा शख्स तलाश करने की कोशिश करी कि जिसने अपना माल अल्लाह की राह में खर्च किया हो और वो मुफलिस हो गया हो। तो खैरात की बड़ी बरकत है। अल्लाह तबारक व ताला ने वादा किया है इस बात का कि अगर तुम उसके रास्ते में एक खर्च करोगे वो दुनिया में तुम्हें 10 देगा। और हम जितना यकीन से खर्च करेंगे उतनी जल्दी हमारे सामने इसका रिजल्ट आता है। और खूबी की बात यह है कि हमारा हाथ कमजोर है जिसमें हमारा माल है, जब हम उसकी राह में खर्च करते हैं तो एक मजबूत हाथ में हमारा माल चला जाता है, फिर वो तल्फ होने से बच जाता है, वो माल हमारा तल्फ नहीं होता। बल्कि अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि जो तुम मुझे भेजोगे उससे बेहतर पाओगे जो तुम्हारे पास था। लिहाजा हमें इस माह में, और वैसे भी हमें अपनी ज़िंदगी में ये मामूल बनाना चाहिए कि हमारी जो इनकम हो, आमदनी हो, उसमें अल्लाह हिस्सेदार हो। और अल्लाह का हिस्सा ये है कि हम उसमें से हिस्सा उसकी मखलूक के लिए निकालें। ये भी अल्लाह को कर्ज देना है। और ये जो तुम उसकी राह में देते हो वो उसकी तरफ कर्ज है, और वो उसको बेहतर तरीके से लौटाएगा फिर। और खूबी की बात ये है कि जिसका माल अल्लाह के हाथ में चला जाएगा तो इसका मतलब है उसको एक जमानत तो हो गई कि वो उसको लौटाया जाएगा। अब जब उसको लौटाया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो नेमत की जगह पे लौटाया जाएगा ना, ना कि अजाब की जगह पे। तो ये सदकात और ये खैरात और ये खिदमत खल्क तो तुम्हारे लिए जमानत बनती है निजात की। तो हमें करना चाहिए, तस्बीह पढ़ना तो एक इनफरादी अमल है और आसान अमल है, हर आदमी कर लेता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात कि लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि इस माह में कौन से अज़कार किए जाएं, क्या किए जाएं। तो ये महीना जो है इस मामले में कि रियासत के मामले में अक्सर बुज़ुर्गान इकराम का तरीक़ेकार ये रहा है, और हमारे सलासिल में भी एक तरीक़ा रहा है कि बुज़ुर्गों ने इस महीने में खिलवत इख्तियार की। बास 40 दिन की करते हैं, बास महीने की भी करते हैं, बास उससे कम भी करते हैं, आखिरी 10 दिन में भी करते हैं। जो जिसकी जैसी हिम्मत और ताकत हो उसको करना चाहिए। अब अगर कोई 40 दिन की खिलवत इख्तियार करता है तो वो 19 शाबान से शुरू कर देता है और 29 रमज़ान तक
वो करता है। लेकिन अगर कोई इतनी लंबी ना कर सके तो वो यकुम रमज़ान से करे 28 रोज़ के लिए। इसमें भी बहुत सारी अमाल किए जा सकते हैं, बहुत सारी ज़कातें अदा की जा सकती हैं, इस्मा की ज़कातें अदा की जा सकती हैं, आयात की ज़कातें अदा की जा सकती हैं। इस टाइम में किसी भी इस्म की, आयात की, सूरत की ज़कात अदा करने का फ़ायदा ये होता है कि बंदा रोज़े से भी होता है, उसको एक्स्ट्रा रोज़े रखने का नहीं पड़ता, और फिर इबादत का ज़्यादा टाइम मिलता है इसमें, और उसका सवाब भी ज़्यादा है, उसकी बरकत भी ज़्यादा है। इस टाइम में किसी चीज़ की ज़कात अदा करना हो तो करनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर इस महीने में तीसरे कलमे की ज़कात, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, यहाँ तक इसको 1,25,000 पढ़ लिया जाए तो 4,444 मरतबा रोज़ाना अगर पढ़ा जाए तो इसकी ज़कात अदा हो जाती है। इसी तरीके से इसमें ज़ात जो इस्म महमूदी कहलाता है, या अल्लाह महमूद फ़िकुल फ़ाली ही या अल्लाह, ये इस्म महमूदी कहलाता है, ये इसको भी 4,444 मरतबा पढ़ के इसमें ज़कात अदा की जा सकती है। और अगर जो शख्स इसकी फिर मुदामत रखता है 1,000 मरतबा रोज़ाना, तो बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि वो मुस्तजाबु दावात हो जाता है, और उसके तमाम फेल जो हैं, अफ़ाल जो होते हैं, वो शरीयत के मुताबिक हो जाते हैं, यानी कि महमूद हो जाते हैं। तो इस इस्म की भी इसमें बड़ी बरकत है इस माह में। इसी तरीके से इस महीने के आखिरी आयाम में, यानी कि जब एतकाफ़ शुरू हो 20 तारीख से, तो 20वीं शब से शुरू करें और 29वीं शब तक चांद रात तक करे 10 दिन, सूरह नबा की ये ख़ानदान चिश्त का तरीक़ा है एक, और उसके अक्सर मुशायख जो हैं ख़ानदान चिश्त के, वो इन आयाम में सूरह नबा की ज़कात अदा करते हैं। अब उसकी ज़कात अदा करने का तरीक़ा ये है कि रोज़ाना रात को 110 मरतबा पढ़ी जाती है सूरह नबा, और 10 रोज़ पढ़ी जाती है ये। फिर उसके बाद असर की नमाज के बाद हमेशा 5 मरतबा इसकी मदामत रखी जाए, तो इसके भी बड़े फवाइद हैं। जो इसकी ज़कात अदा करता है इन आयाम में पूरे साल, वो किसी मुशक्क़त में, किसी परेशानी में, किसी कैदोबंद में मुब्तला नहीं होता, किसी ऐसे आज़ार में, बीमारी में मुब्तला नहीं होगा कि जो लाइलाज हो। मोहताज की उस पर नहीं आएगी। पूरे साल कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं होगा उसको कि जिसकी तलाफी ना हो सके। तो ये जो सूरत नबा है ये ख़ानदान चिश्त के मामूलात से है, और तमाम तकरीबन ख़ानदान चिश्त में इसको असर की नमाज के बाद पढ़ने का मशायख हुक्म देते हैं कि इसको 5 बार हमेशा अपने वित में रखा जाए। इसी तरीके से इसके जो आयाम अबीज हैं 13, 14, 15, इन आयाम में सूरह मुज़म्मिल शरीफ की ज़कात अदा की जाती है, और वो इस तरीके से की जाती है
कि 3 दिन के अंदर 1002 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ को पढ़ा जाए। अच्छा, अगर कोई इतनी पढ़ने की ताकत नहीं रखता तो उसको चाहिए कि वो कम से कम 363 मरतबा ज़रूर इसको पढ़ ले इन 3 अयाम में। अच्छा, इसी तरीके से ख़ानदान कलंदरिया का एक तरीक़ा रहा ये कि वो इन 3 अयाम में दुआए हैदरी की ज़कात अदा करते हैं। अक्सर किताबों में मौजूद है दुआए हैदरी, शमे शबिस्तान रज़ा में भी मौजूद है ये। 3 दिन रोज़ाना 27 मरतबा पढ़ी जाएगी और 27 मरतबा 3 दिन तक पढ़ी जाए और उसके बाद हमेशा 3 मरतबा अपने मामूल में रख ले इसको, तो हर तरह के जादू टोने आसे बदनजरी दुश्मन हासिद इन सब से महफूज रहता है। ये इसकी ज़कात अदा करने का बहुत ही अच्छा टाइम है। इसी तरीके से इस महीने के अंदर 19, 20, 21 तारीख जो है ये नादिया अली शरीफ की ज़कात के लिए बहुत बेहतरीन है कि इसमें 3 दिन तक नादिया अली शरीफ कम से कम 2100 मरतबा पढ़ी जाए 3 दिन, तो इसकी ज़कात अदा हो जाती है पूरी। इसी तरीके से बुज़ुर्ग कहते हैं अगर कोई 4000 मरतबा रोज़ाना इसको पढ़े तो इसका नसाब अदा हो जाता है 3 दिन में। इसी तरीके से अगर कोई इतनी तादाद ना कर सकता हो तो वो 7 तस्मियाँ रोज़ाना 3 दिन तक पढ़ ले, नादिया अली की ज़कात अदा हो जाती है ये। इसी तरीके से इन 3 दिनों में सैफ़ी की ज़कात अदा होती है, यानी कि 3 दिन तक 27 मरतबा रोज़ाना दुआए सैफ़ी पढ़ी जाए और उसके बाद रोज़ाना 1 मरतबा अपनी मुदामत में कर ली जाए तो वो दुआए सैफ़ी हमेशा काम के लिए उसकी काम आती है उसके, और हासिदों से जादू से आसेब से ज़ख्म नज़र से इन सब से हिफाजत रहती है उसकी। तो ये मुख्तसर आमाल हैं, अगर कोई इसमें करना चाहता है तो वो इनको करे, अल्लाह ताला हिम्मत दे तौफीक दे। ये बड़े अच्छे अमाल हैं और ये अमाल बिलखसूस उन लोगों के लिए जो अक्सर जादू टोने में मुब्तला रहते हैं या आसेब में मुब्तला रहते हैं या बदनज़री का शिकार रहते हैं या जिनके हासिद लोग ज़्यादा होते हैं, उन लोगों के लिए ये अमाल जो हैं बहुत मुफीद और फ़ायदेमंद हैं। इसी तरीके से जो आमलीन हजरात हैं जो इलाज मुआलजा करते हैं, अगर वो इन अयाम में इस तरीके से इनकी ज़कात अदा करते हैं तो वो अमाल की रुजत से भी महफूज रहते हैं और उनके अमाल में रूहानियत में पुख्तगी आती है, पक्का होता है अमल उनके। तो ये करते रहने चाहिए इन अमल अमाल को, और मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे मुरीदीन और खुलफा वगैरह हैं जो भी देख रहे हैं और जो लोग भी जो मुहिबीन में से हैं जो सिलसिलों से वाबस्ता हैं, अगर वो लोग भी इन अमाल को करना चाहें तो बिल्कुल करें, मेरी तरफ़ से इसकी इजाज़त है। अल्लाह ताला सबको बरकत दे और अल्लाह ताला सबको हिफाजत से रखे। अब हमारा पिछला मौजू था तज़किए के मामले में, कि तज़किया अमाल में बिलखसूस तसव्वुफ़ के रास्ते में तज़किए की बड़ी अहमियत है। इसी तरीके से क्योंकि तज़किया जो है वो तक़वे का पहला कदम है, और इंसान जो है उसकी सबसे बड़ी सिफत
जो है वो तकवा है। जो शख्स तकवे से खाली है उसकी गोया जो जिंदगी है वो उस खूबी वाली नहीं है, वो आइडियल नहीं है जिसका अल्लाह तबारक व ताला बंदे को हुक्म देता है। जिसका अल्लाह तबारक व ताला बंदे को हुक्म देता है तज़किया जो है इंसान को इंसान बनाता है, वरना इंसान जो है वो हैवाने नातिक है, ये बोलने वाला हैवान है। हैवाने सामित में और नातिक में बस इतना ही फर्क है कि ये बोलता है, वरना खसाइल दोनों के एक जैसे होते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि लकद खलकनल इंसाना फी अहसन तकवीम, मैंने इसको बहुत ही उम्दा सूरत पे पैदा किया है। इसकी जो उम्दा सूरत है वो इसकी वजह कता के अलावा इसकी बेहतरीन सीरत है। जो सिफत तकवा है ना वो इसको इंसान बनाती है। वरना फिर सुम्मा रदद नावस फलसाफेली कि ये अपने एमाल में जानवरों से भी बदतर हो गया। अब जानवर से बदतर क्यों कहा गया इसको? इसलिए कि जानवर शऊर नहीं रखता गुनाह का, शऊर नहीं रखता नेकी का, ये शऊर रखते हुए सब कुछ करता है और वो गुनाह भी करता है जो जानवर नहीं करते, वो खसाइल भी इसमें आ जाते हैं जो जानवरों में नहीं आते। इसीलिए उनसे भी बदतर हो गया। इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने साले अमल नेक अमल किए। बाद साले अमल में वही तकवा आ गया कि जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। अब ईमान वालों की दो हालतें हैं, एक वो कि ईमान जिनके हलक में है, एक वो ईमान जिनके कलब में है। असल ईमान वाले वो हैं जिनका ईमान उनके कलब में है, वो नहीं जिनके हलक में। वो मुसलमान तो हैं मगर वो ईमान वाले नहीं है जिनको अल्लाह ईमान वाले कह रहा है।
तो जब ईमान हलक से नीचे नहीं उतरता, ईमान का फायदा नहीं होता, वो फैज नहीं होता जो उसको तकवे की तरफ लेके जाए। तो वो ईमान तो ले आते हैं, मगर चूंकि उनकी सिर्फ जबान और हलक पर ईमान होता है, ईमान उनके कलब में नहीं उतरता, इसलिए तकवा इख्तियार नहीं करते। और ना ही तज़किये की कोशिश करते हैं। फिर क्यों कि जब ईमान जबान और हलक पर होता है ना, तो उसका असर दिमाग पर होता है। और जब ईमान कलब में होता है तो उसका असर रूह पे होता है। वो बंदा जिसका ईमान कलब में होता है वो अतात में आता है, अतात इख्तियार करता है। और जिसके दिमाग पे ईमान सवार होता है, जिसकी जबान पर और जिसके हलक में ईमान होता है और कलब में नहीं उतरता, वो ईमान उसके दिमाग पे सवार होता है और वो नफा नुकसान की सोचता है। अब अगर उसको नफा फसक फजूर में हो रहा है तो वो इख्तियार करेगा। जब नफा उसको नेकी में हो रहा होगा वो इख्तियार कर लेगा। लेकिन जिसके ईमान कलब में उतर जाता है वो इख्तियार अतात ही करेगा, तकवा ही करेगा, चाहे उसको कितना नुकसान हो। वो उसको नहीं छोड़ता फिर। क्यों कि उसकी रूह को ये इदराक होता है, जब उसका कल्ब में ईमान होता है तो उसकी रूह को एक इदराक होता है, और उसकी रूह को इदराक ये होता है कि सबसे बड़ा नुकसान जो है ना वो अतात से मुंह फेरने में है, और सबसे बड़ा फायदा है अतात को इख्तियार करने में। क्यों कि उसकी रूह जो होती है ईमान की रोशनी जब ले लेती है तो वो उसकी असल को तलाश करती है, और उसकी असल जो है वो कुर्बे इलाही है। अब जिस रब की नजर में दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी ना हो, तो यहां उसके दोस्त का नफा क्या नुकसान क्या? जो अल्लाह की मार्फत को समझ लेता है इसीलिए वो नफा नुकसान से निकल जाता है। इला इन्ना औलिया है ला खौफ न लें वला हम यहजनून। क्यों कि हजन जो है, गम जो है, वो नुकसान पर होता है ना बंदे को, और खौफ जो है वो नुकसान का होता है। तो जिसको ये इदराक हो जाता है कि दुनिया की औकात मच्छर के पर के बराबर नहीं है, इसमें मेरा क्या नफा और क्या नुकसान, तो वो खौफ से निकल जाता है। इंसान को
दो खौफ सबसे ज्यादा रहते हैं हमेशा, और वो एक खौफ जो है उसका अपनी जान के तल्फ होने का है, और दूसरा खौफ अपना माल तल्फ होने का है और अजबाब। आखरत के तल्फ होने का खौफ नहीं होता इसको। क्यों नहीं होता? कि इसकी ईमान इसके हलक में, वो इसके दिमाग पे चढ़ा हुआ है, वो सिर्फ इसको दुनिया का नफा नुकसान बताएगा। लेकिन आखरत के तल्फ होने का सबसे ज्यादा खौफ जो होता है वो उसको होता है जिसके ईमान कल्ब में हो। तो जिसको ये इदराक हो जाए, तो असल बात यह है कि पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि गोया हमारा जो ईमान है वो हमारे कल्ब में है या हमारे हल्क में है। फिर तज़किया फ़ायदा करेगा। इंसान के लिए सबसे जो नफे की चीज है वो अतात है। अल्लाह उसके रसूल के हुक्म की पासदारी, ये सबसे ज्यादा मुनाफे की चीज है। अब अल्लाह तबारक व ताला हमें आजमाता है, कभी माल से, कभी औलाद से, कभी बीमारी से, कभी दुखों से, कभी परेशानियों से, अब ये आजमाइश दो तरह पर होती है। समझने वाली बात यह है कि यह हम पर आजमाइश है या अजाब है। आजमाइश उन पर होती है, यह भी समझने वाली बात है कि जिनके ईमान कल्ब में होता है, अजाब उनके लिए जिनके हलक में। क्यों? कि जब उन पे आजमाइश आती है तो ये एक तरीका इसको जांचने का है कि हमारी आजमाइश, हमारी परेशानी हमें रब से दूर कर रही है या करीब कर रही है। हमें सब्र की तरफ ले जा रही है या शिकवे की तरफ ले जा रही है। अगर चीज सब्र की तरफ ले जा रही है और उसके और नजदीक कर रही है तो ये आजमाइश है। फिर अब वो तुझे अपने करीब करना चाहता है। देखो, सुनार के पास सोना लेके जाओ आप, वो पहले उसको कसौटी पे लगाता है, फिर उस पर तेजाब भी लगाता है, देखता है कितना खोरा खोटा है, कितना खरा है, इसमें मिलावट कितनी है। तो जो एक जाहिरी असबाब बेच रहा और खरीद रहा है वो आजमा के देखता है, जो तुम्हें अपना दोस्त बना रहा है वो तुम्हें नहीं आजमा के देखेगा, वो तुम पे कसौटी नहीं लगाएगा।
फिर सोने को खरा करने के लिए उसको तेजाब में भी डाला जाता है, आग से भी गुजारा जाता है, तब उसमें से मिलावट दूर होती है। तो वो शख्स जो नफे नुकसान पे नहीं होगा वो इसमें पूरा उतरेगा। इसलिए कि तुम्हारे हाथ में दो सिरों में से एक सिरा भी नहीं है, तुम्हारे हाथ में तुम्हारी पैदाइश थी कि तुम कहां पैदा होगे, कैसे पैदा होगे, किस घर में पैदा होगे, किस जगह पैदा होगे, तुम्हारे हाथ में था ये सब कुछ नहीं था। तो एक सिरा तो ये गया, दूसरा सिरा तुम्हारी मौत है, कहां होगी, किस हाल में होगी, किस बीमारी में होगी, किस चीज से होगी, तुम किस हाल में होगे जब होगी, ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं। तो जब ये दोनों चीजें, दोनों सिरे तुम्हारे हाथ में नहीं है तो तुम्हारे हाथ में है क्या? तो तुम्हारा नफा नुकसान भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो जिस बंदे का ईमान उसके कल्ब में होता है, जब उस पर कोई मुसीबत आती है तो वो ये समझता है कि मेरा रब बेहतर जानता है मेरे बारे में, मेरे हक में, कि मुझे क्या जरूरी है उस वक्त। एक वाकया है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने एक दिन जिब्राइल से पूछा कि ए जिब्राइल, मुझे ये बताओ कि इस वक्त में कोई ऐसा शख्स जो अल्लाह की नजर में सबसे ज्यादा इबादत करने वाला हो, कोई है? हाँ है। कहाँ है? क्या मुझे ले चलोगे? ना चलो, वो लेके चले गए। तो एक शख्स के पास पहुंचे तो शख्स के दोनों बाजू नहीं थे, दोनों टांगे नहीं थी, दोनों आंखें नहीं थी। उन्होंने बोला है जिब्राइल, मैंने तो तुझे ऐसे बंदे के बारे में पूछा था कि जो अल्लाह की नजर में सबसे ज्यादा इबादत करने वाला हो, तू तो सबसे ज्यादा माजूर के पास ले आया। उन्होंने कहा ए अल्लाह के नबी, आप देखें, बात करें। तो हजरत जिब्राइल ने उससे पूछा कि ये बंदे, तेरी आंखों को क्या हुआ? ने कहा मेरी आंखों को क्या हुआ? जब तक मेरे रब ने चाहा कि मैं जहां को देखूं मैंने देखा, और जब उसने चाहा कि अब देखना मेरे लिए अच्छा नहीं है तो उसने खत्म कर दी। तो जब मैं देखता था तब मेरा अख्तियार नहीं था, अब नहीं देख रहा तो अब भी मेरा इख्तियार नहीं। जिसका इख्तियार था उसने जब चाहा दिखाया, जब तक चाहा खत्म कर दिया। पूछा कि तेरे बाजू? उन्होंने कहा जब तक उसने चाहा
कि मैं अपने बाजुओं से रहूं, जब तक उसने रखा, जब चाहा वो मेरा बाजू बन जाए तो वो बन गया। ये बात काहे की है? ये बात किस चीज की है? ईमान कल्ब में होने की। तो सबसे ज्यादा इबादत जो है वो यही है कि अल्लाह की मार्फत को, उसके फेल को अपने मुताल्लिक समझ ले। दुनिया के मुताल्लिक समझना तो आसान काम है, अपने मुताल्लिक समझना असल काम है कि अब मुझसे मेरा रब क्या चाहता है। तो बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर अतात में आना है, अगर तकवे में दाखिल होना है, तज़किये की पहली सीढ़ी यह है कि तू उस पर भरोसा कर। ना मेरा इल्म, ना मेरा शऊर, ना मेरी अकल, ना मेरी ताकत, कोई चीज मेरी नहीं है। और ये सब नाकिस है, उसका इल्म, उसका मेरे हक में फैसला कामिल है। जब बंदे को ये शऊर आता है ना, तो वो तकवे में पहला कदम रखता है। तो तज़किये के लिए, तज़किये का कमाल तकवा है। तो तज़किये के लिए सबसे पहली चीज जो है वो अपने इरादे और अपनी मर्जी का तर्क है। और जो ऐसा नहीं करता वो तसव्वुफ में या सुलूक में कदम नहीं रखता, उसको वहम होता है बस खाली इसका। और जब ये बात पैदा हो जाती है, क्या कि अल्लाह मेरे हक में बेहतर करता है और बेहतर कर रहा है, तो सारा हसद बुगज खत्म हो जाता है, सबसे ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। यह हसद बुगज कब तक रहता है? ये जब तक रहता है जब तक मैं ये समझता हूं कि मैं अपनी तदबीर से सब कुछ हासिल कर रहा हूं। और जब ये समझता हूं कि ये सब कुछ उसकी तरफ से है, तो फिर वो कोई कमजोर नहीं है, कोई ले लेगा, वो बहुत ताकतवर है, उसके हाथ से कौन ले सकता है? तो फिर कोई भी हरीफ नहीं रह गया। इसीलिए कुरान करीम कह रहा है ना कि कुल अल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तूतीउल मुल्क मन तशा,
वो तो इज्जो मन तशा, वो तो जिल्लो मन तशा। क्यों? कि कह दो ए नबी, अल्लाह ही तमाम मुल्कों का मालिक है, जिसको चाहता है अता कर देता है। और जिससे चाहता है ले लेता है। तो अब किसने अपनी तदबीर से हासिल किया? जिसको चाहता है इज्जत दे देता है और जिसको चाहता है जलील कर देता है। अब जिसको वो इज्जत देता है, उसको कायनात में कोई है ऐसा कि जो उसकी इज्जत को कम कर सके? और जिसको वो जिल्लत देता है, कायनात में कोई है ऐसा जो उसको इज्जत दे सके? शैतान को जलील करके निकाल दिया, है कोई आज तक उसको इज्जत देने वाला? उसकी अपनी जुर्रियात उसको इज्जत नहीं देती। यही बात है कि अल्लाह का हुक्म, उसका अमर गालिब है। वो तो तुम्हें खोल खोल के सारी बातें बता रहा है कि देने वाला भी मैं हूं, लेने वाला भी मैं हूं। तो फिर तू किसी से हसद बुगज या खौफ क्यों खा रहा है? इसका मतलब यह है कि हम जब हसद और बुगज करते हैं, जब खौफ खाते हैं, कि जब हमें अपने मालिक पर एतमाद नहीं रहता। अपने देने वाले पर भरोसा नहीं रखते। तो फिर तकवा कहां से आएगा? ईमान कहां से अलग से उतरेगा? हम ईमान को भी अपनी तदबीर पे रखते हैं। इसीलिए नफे नुकसान पर रहते हैं। हम देखते हैं कि कौन सी नेकी हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है, वो करें या ना करें, और कौन सा जो है नेकी से नुकसान होगा उससे दूर रहो। इसीलिए भी कारोबार में भी फरेब करते हैं। रिस्क तो अल्लाह की तरफ से है ना, लेकिन हम झूठ फरेब दगाबाजी से रिस्क लेते हैं, जबकि लिखा गया जाना कहाँ है उसने। तू फरेब नहीं कर ये आएगा। हम समझते हैं कि हम फरेब करके ज्यादा ले लेंगे, वो ज्यादा तेरा नहीं था, तेरी किस्मत में पहले से ही था, वो तेरी तदबीर से नहीं हुआ दादा। लेकिन तूने अपनी तदबीर से हराम कर लिया है इसको। अब हराम कर लिया तो इसकी बरकत उठ गई, और जब इसकी बरकत उठ गई तो तेरे लिए ये भी कम रहेगा। और तू उसके बताए हुए तरीके से लेता तो इसमें बरकत होती, और जब इसमें बरकत होती तो ये तेरे लिए भी काफी होता और किसी और के लिए भी काफी हो जाता। तो तज़किये की जो पहली सीढ़ी है वो तवक्कुल है, तर्क है, गैर का तर्क है, उस ज़ात पे भरोसा।
और जब तक हम इस पर नहीं आते, जब तक सारी बात फजूल है कि हम कोई तजकिया कर लेंगे अपना, हम कोई तकवा इख्तियार कर लेंगे। हर चीज की एक इब्तिदा होती है और जब उसकी इब्तिदा से चलोगे तो इंतहा पे पहुंचोगे। सिराते मुस्तकीम जो रास्ता है, ये किन का रास्ता है? सबका नहीं है ये रास्ता। इस रास्ते में 100 दरवाजे हैं। तो हमें कैसे पता चले ये रास्ता किसका है? ये रास्ता जो है सिरात मुस्तकीम, ये रास्ता है नेमत वालों का, इनाम याफ्ताओं का, जिनको नेमत हासिल हुई। आप सूरह फातिहा पढ़ते हो, आप दुआ में क्या मांगते हो? अनंत अलैहि कल्बी ईमान वाले हैं, ये वो हैं जिनके ईमान उनके कल्बों में, उनके रूह में उतर गए थे और मुकर्रब हो गए, अल्लाह की बारगाह में कबूल कर लिए गए। तो अल्लाह की बारगाह में कबूल होना ही इनाम है। हिदायत हकीकी यही है कि वो कबूल कर ले तुझे। तो हम किसका रास्ता मांग रहे हैं? उनका जिनको तूने कबूल कर लिया, हमें भी कर ले। अब इससे आगे की आयत ही बता देती है कि सिरात मुस्तकीम एक किधर तक भी जा रहा है, ये रास्ता कहीं और भी जा रहा है, गैर मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। जी कहीं और भी जा रहा है रास्ता, तो 99 रास्ते उधर जा रहे हैं, एक रास्ता उधर जा रहा है। ईमान का हलक से कलब में उतरना कोई आसान काम नहीं है। इसको उतारना है तो पूरा पूरा भरोसा करना पड़ेगा। अपना इख्तियार उसको सौंपना पड़ेगा। ये मोहब्बत के बगैर नहीं होता काम। अकल इसको नहीं करने देती। इसके लिए मजनू बनना पड़ता है, जुनून इख्तियार करना होता है। क्यों? कि सिर्फ इश्क ही ऐसी चीज है, जुनून ही एक ऐसी चीज है जो नफे नुकसान को नहीं सोचता। अकल पहले नफे और नुकसान को सोचती है। हम जो काम करते हैं अकल से करते हैं।
इसीलिए उसमें हमारी ख्वाहिश शामिल हो जाती है। हम हर काम अपनी ख्वाहिश से करते हैं और जब काम हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हो तो शिकवा करते हैं। दस मर्तबा नहीं हो दस मर्तबा करते हैं और फिर उस पर अड़े रहते हैं। जबकि कोई तो ऐसी ताकत है ना कि तेरे सारे इरादे सारी कोशिश के बावजूद तुझे नाकाम कर रहा है, तो क्यों नाकाम कर रहा है? इसलिए कि उसकी हिकमत जो है वो नहीं चाहती कि ये काम तेरे लिए हो। वो जो करता है अपनी हिकमत से करता है, इसलिए उसके काम में खैर है। और हम जो करते हैं अपनी ख्वाहिश से करते हैं, इसलिए हमारे काम में शर है। तो शर के मुर्तकिब हम खुद होते हैं, वो शर हमारी तरफ भेजता नहीं है, हम पे डालता नहीं है, हम दावत देते हैं शर को। वो तो हमारी तरफ खैर भेजता है। लेकिन हम उसको नहीं समझते उसकी खैर को, क्योंकि हमारी ख्वाहिश होती है कि जो हमारी मर्जी है वो हो। तो अपनी ख्वाहिश को जब हम पूरा करना चाहते हैं तो फिर हम उसमें कोई कानून नहीं देखते। कोई लिहाज नहीं रखते, बस पूरी करनी है। तो ये जो होती है बात, फिर वो क्या होती है? वो ये होती है कि ये अभी तक ईमान नहीं लाया, ये अभी तक तागूतों का ही गुलाम है, ये अभी तक तागूत की पैरवी में ही है। मुझे शिद्दत एक चीज की होनी चाहिए, क्योंकि मैं जिस पर ईमान लाता हूं मेरी कल्ब और रूह उसकी तरफ रागिब होती है। तो मुझे शिद्दत सिर्फ एक चीज की होनी चाहिए, अल्लाह की मोहब्बत और रसूल की अताअत की। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह शिद्दत पैदा हो जाती है, मैं अल्लाह पे ईमान ले आया। अब यह शिद्दत मेरी जबानी कलामी है या अमलन है? अगर अमलन जाहिर होनी है उसमें, ये भी बात है कि ये इसकी जबानी कलाम में मुनाफकत है, ये मुनाफिक है या मोमिन है? अगर छे मोमिन है तो गैर से नजर हट जाएगी और मुनाफिक है तो कभी इधर कभी उधर होगा। और इस रास्ते में जिसको तसव्वुफ या सलूक कहते हैं, इसमें मुनाफकत नहीं चलती। ये निफाक का रास्ता नहीं है।
कि जो अल्लाह और उसके यौम आखरत पर ईमान रखे नहीं लाते। वही बात कि जो लोग ये समझते हैं कि हम अल्लाह पे आखरत पे ईमान रखते हैं मगर हकीकत में वो ईमान नहीं लाते हैं। क्यों नहीं लाते? उसकी वजह है, सब जाहिर है, बिल्कुल सामने है। जिनके ईमान, वही बात है, जो ईमान लाते हैं मगर वो नहीं लाते, उनके ईमान हलक में होता है, उनकी ज़ुबान पे होता है, उनकी अकल पे चढ़ जाता है। और जब उनकी अकल पे चढ़ता है तो वो क्या इंतखाब करते हैं? वो इंतखाब करते हैं आखरत के मुकाबले में दुनिया का। वो इंतखाब करते हैं खुदा के मुकाबले में ख्वाहिश का। वो इंतखाब करते हैं रूह के मुकाबले पे मादे का। यानी कि अजबाब इकट्ठा करना और उसी की तकद्दू में रहना। वो जिस तरह से भी हासिल हो, किसी का हक मार के, किसी पे जुल्म करके, किसी से छीन कर, किसी के धोखे से, किसी को फरेब से, जैसे भी हो, अपनी अकल को इसमें इस्तेमाल करते हैं। और आखरत के मुकाबले में दुनिया का, यानी कि उनकी आखरत से नजर बिल्कुल हटी रहती है, वो सिर्फ दुनिया बनाना चाहते हैं। और खुदा के मुकाबले में ख्वाहिश का कि खुदा का हुक्म कुछ भी है मगर मेरी जो ख्वाहिश है मैं वो करूं। इन लोगों का तसव्वुफ या सलूक में कोई हिस्सा कोई नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं बनता। चाहे कितने ही अपने आप को दावे करते हो, ताल्लुक नहीं बनता। वही कह रहा हूं ना मैं ये बात कि तसव्वुफ सुलूक जो है, जब इस रास्ते पे आना है तो हमें वो सिफत पैदा करना है अपने अंदर जो तक्वे की है। अल्लाह ने इंसान की तमाम सिफात में सबसे आला सिफत जो रखी है इसके अंदर, वो तक्वा है। क्यों? कि ये तकवा अंबिया की मिरास और खासा है। अंबिया का खासा तकवा है। अब उनका तकवा जो है वो वदियत किया हुआ है, ये रब ताला की तरफ से वदियत किया हुआ है उनको। अब उस तकवे से उनकी रूह जो है वो इतनी मुजल्ला, इतनी लतीफ और इतनी पुरनूर हो जाती है कि वो कुर्ब इलाही के इंतहाई दर्जे में करीब हो जाती है। अब उससे मासियत खत्म हो जाती है। फिर उनका फेल हिकमत वाला हो जाता है, ख्वाहिश का नहीं रहता।
इसीलिए उनकी अतात उनकी उम्मत पे वाजिब हो जाती है। हम जो तकवा इख्तियार करते हैं ये कसबी है, कसब से है। तो हम अपनी रूह को मुजल्ला करने के लिए कसब इख्तियार करते हैं, और जब तक हम इसको कसब करके उस कमाल पर न लेकर आए कि इसको तकवा हासिल हो जाए, तो जब तक हम उनके वारिस भी नहीं हैं। क्योंकि अंबिया का विरसा तकवा और इल्म है और मार्फत इलाही है। तो जब हम में तकवा ही नहीं है तो इल्म कहां से होगा? खुदा की मार्फत कहां से होगी? अब किताबों से खुदा के बारे में पढ़ लो, वो एक अलग मैटर है, वो तो कोई गैर मजहब भी पढ़ ले, कोई काफिर भी पढ़ ले। तो क्या वो साहिब तकवा हो जाएगा? ये साहिब मार्फत हो जाएगा किताब पढ़ने के बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए अंबिया का तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। अपनी ख्वाहिश निकालनी पड़ेगी बीच में से, मुर्दा होना पड़ेगा। क्यों? ये ख्वाहिश मुर्दों की खत्म होती है, जिंदाओं की नहीं। वो मौत ही असल हयात है। जो ख्वाहिश वाली हयात है ये मौत है। जिसको फना कहते हैं ना तसव्वुफ में, फना गोया क्या है? फना ख्वाहिश का फना होना है, इंसान का फना होना नहीं है। और ये काम इतना आसान नहीं है, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया कि उसके रास्ते में मुजाहिदा करो। मुजाहिदा जिहाद से है, जिहाद जद्दोजहद है, यानी कि एक दुश्मन हमेशा सामने है और वो क्या है? वो तुम्हारा नफ्स है। शैतान का नंबर तो बाद में आता है, क्यों? कि जो तुम्हारी खसाइल रजीला हैं वो तो शैतान में भी नहीं है। यानी कि खसाइल रजीला में तुम जिस कमाल पे हम हैं उसमें तो शैतान भी नहीं है। तो उसका नंबर तो बहुत बाद में आएगा। पहले तो तुम्हें अपने आप से लड़ना है, और ये लड़ाई बड़ी खतरनाक है।
जो अपने आप से लड़ने वाली होती है। इसको जिहाद अकबर कहा गया है कि जिहाद अकबर है। जिहाद असगर में हर वक्त जान जाने का खतरा रहता है, तो जिहाद अकबर में क्या जाने का खतरा रहता है? जिहाद अकबर में ईमान जाने का हर वक्त खतरा रहता है। बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं कि जान का सदका माल है ना, जान बचानी, अगर माल जाता है, जान बच रही है तो बचा लो। तो बंदा क्या करता है कि भाई माल दे दो फिर कमा लेंगे। लेकिन बुजुर्ग फरमाते हैं कि इज्जत जो है, वो जान जो है, वो ईमान का सदका है कि अगर ईमान बचता है तो जान दे दो, जाती है चली जाए, ईमान बच जाए। कितनी कीमती चीज है। लेकिन नहीं समझते हम। ईमान एक कैफियत है, ये कल्ब की रूह है, ये कल्ब को जिंदा रखती है, ये कल्ब को जिंदा करती है। और जब कल्ब जिंदा होता है ना, तो वो बैतुल्ला बनता है। और जब वो बैतुल्ला बनता है ना, तो फिर बैतुल मामूर हो जाता है वो। क्यों? कि मकान किससे मामूर होता है? मकीन से। इसकी अहमियत का हमें इल्म नहीं है कि कल्ब हमारा है क्या चीज। वो कल्ब जो कल्ब ईमान के साथ हो और उसमें ईमान हो, ईमान उसकी रूह बना हुआ हो उस कल्ब की। देखो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इसकी कुव्वत बयान फरमाई, कहता है कि अगर मैं ये कुरान, लो अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल लरायतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशयतिल्लाह, अगर मैं ये कुरान को पहाड़ पर उतार देता तो क्या होता? वो रेत बन जाता, रेजा रेजा हो जाता। पहाड़ कितनी ताकतवर चीज है। है ना? लेकिन इसको उतारा कहां? कल्बे मुस्तफा पे। ये वो अमानत है जिसको सबने लेने से इनकार कर दिया कि हम इसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अल्लाह ने कल्ब को कितना ताकतवर पैदा किया, उस कल्ब को, कि जिस पर उतरा। और फिर उस कल्ब से ये मुसलमानों के कल्बों में आया। तो कल्ब की कितनी ताकत है और कितनी अहमियत है उस कल्ब की जिसमें ईमान उतरा हो।
ये जो कल्ब है ना इंसान का, ये बेतुल मामूर है। अल्लाह जमीन और आसमानों की वसतों में नहीं समा सकता, मगर उसका जलवा देखना है तो एक मोमिन के कल्ब में देखो। कल्ब इतनी ताकतवर चीज है कि जब बंदा जिक्र करता है और इस पर तजल्ली होती है इस कल्ब पर, तो इसका रत्ती बराबर नुकसान नहीं होता। और तजल्ली जब तूर पे हुई थी क्या हुआ था, पहाड़ पर हुई थी ना, क्या नतीजा निकला था उस पहाड़ का। तो अहले बातिन के तो कल पर होती है तजल्ली, तो उसको कल बर्दाश्त नहीं करता, बल्कि जो कल्ब का मुहाफिज है ना ईमान, वो बर्दाश्त करता है। ये समझने वाली बात है कि पहले, सबसे पहली जो चीज है इस रास्ते के अंदर, वो ये है कि हम अपने ईमान को अपने हलक से अपने दिल में उतारें। और उसके उतारने का तरीका ये है कि जिस पर ईमान रखते हैं उस पर भरोसा करें। और जब भरोसा करेंगे उस पर तो उसकी मोहब्बत पैदा होगी, उसकी उनसियत पैदा होगी, उसकी रग़बत पैदा होगी। अब हम ये चाहते हैं कि जिंदगी गुजारें फिरौन की तरह और आखिरत मिले मूसा की तरह। तो ये कैसे उस मुमकिन है भाई। अगर मूसा जैसी जिंदगी गुजारनी है, आखरत करनी है, तो शौक भी मूसा जैसा पैदा करो। अब दावे की हद तक तो मुसलमानियत सही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अमली जिंदगी अलग है थोड़ी सी। तो लिहाजा सारी उम्र अगर जानवर बन के ही जिंदगी गुजार रही है तो फिर कैसा सलूक, कैसा तसव्वुफ, जैसे चाहो गुजारो भाई, कौन रोकने वाला है। अब रह गई बात बख्शीश की, तो वो मालिक है, मालिक की यौमद्दीन, वो आज भी मालिक, वो कल भी मालिक, वो इस दुनिया का भी मालिक, वो आखरत का भी मालिक। मालिक की मर्जी है, जिसको चाहे ता कर दे। उसको तो किसी कानून की जरूरत नहीं है। मालिक है, उसी की मर्जी कानून होता है।
वो एक अलग मैटर है बिल्कुल। लेकिन हमें जिस काम के लिए भेजा गया है, जिस मकसद के लिए भेजा गया है, वो भी एक मकसद कानून है, उसी मालिक का दिया हुआ है। तो यहां हमारी वफादारी चेक करने के लिए भेजा गया है। यहां उस मिसाक के लिए भेजा गया है जो हमने किया है। वहां तो हमें इख्तियार नहीं था ना, तो हमने बला कहा। अब इख्तियार देके भेजा गया कि अब क्या कहता है। अब हमें चाहिए कि जहां इख्तियार है हम वहां भी बेइख्तियार हो जाएं वैसे ही। वही मार्फत हमें ऊद कर जाए जो उस वक्त करी थी, वही मोहब्बत ऊद करे। वो मोहब्बत हमेशा मौजूद है, वो बीज तो हमारे कल्बों में पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी आबियादी की जरूरत है। तो अब उसकी आबियारी करनी है हमने, तो फिर उन कवायद और उन जवाबित पर अमल करना पड़ेगा जो कामयाब अहले नेमत ने बनाए। अहले नेमत के जो कवायद हैं, देखो एक रास्ता होता है, हमें अगर सदर के लिए जाना है तो हमें वही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा ना जो सदर जाता है। अगर हम वो रास्ता इख्तियार कर लें जो हाईवे को जाता है तो पिशावर तो पहुंच जाएंगे मगर सदर नहीं पहुंचेंगे कभी। तो सिराते मुस्तकीम अगर हम चाहते हैं कि हम सिराते मुस्तकीम पे कदम रखें तो हमें रास्ता वो इख्तियार करना है नेमत वालों का। और अगर हमने वो रास्ता इख्तियार नहीं करा तो फिर कहीं और पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहली बात यही है कि हम इस बात पर आ जाएं कि हमारा रब बाइख्तियार है। पूरा भरोसा कर लें इस बात पर। जब इस बात पर भरोसा कर लेंगे ना कि वो बाइख्तियार है, बाकी सब बेइख्तियार है, तो फिर कोई हमारे लिए दुश्मन नहीं रहेगा। किसी से हमारा हसद बुगज नहीं रहेगा, कोई हरीफ नहीं होगा फिर। और जब तक हम खसाइल रजीला से नहीं निकलते, किसी पे जुल्म कर रहे हैं तो जो मेरा रब है वही उसका रब है ना। तो जब मैं जानता हूं कि मेरा रब ताकतवर है तो उसका ताकतवर नहीं है। तो मुझे नहीं पकड़ेगा वो क्या,
मखलूक तो सब उसके लिए एक जैसी है ना। ये जान लो कि वो जुल्म को पसंद नहीं करता। जब वो जुल्म को पसंद नहीं करता तो फिर तू क्यों करता है? और तू ये भी नहीं चाहता कि मुझ पर कोई जुल्म करे। मैं चाहे सब पे करूं, कोई मुझ पर ना करे। तो अपने आप ही इंसान के अंदर इंसानियत पैदा होना शुरू हो जाती है। तो पहली सीढ़ी तसव्वुफ के अंदर इंसान बनने की है। कि तू कुछ बन ना बन, मगर इंसान बन। क्यों? कि अल्लाह ने तारीफ इंसान की है। और पूरा कुरान का जो मौजू है वो इंसान है। जानवरों को मौजू नहीं बनाया है कुरान का, चाहे वो सामित हो चाहे वो नातिक हो। अल्लाह ने इंसान को मौजू बनाया है कुरान का। तो हमें इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए कि हम इंसान बने। और इंसान की आला सिफत तकवा, फिर हम उस सिफत की तरफ चलें। क्यों? कि अगर हम वारिसुल अंबिया बनना चाहते हैं, अंबिया का सदका लेना चाहते हैं, तो उनका सदका, उनकी विरासत इल्म और तकवा है। मार्फत इलाही है। इल्म से मुराद भी मार्फत इलाही है। तो ये उनका असल है। और वो लोग जो हैं अंबिया, अल्लाह ताला के जो चुने हुए लोग हैं, वो हमारे लिए नमूना हैं। अल्लाह ने वो हमारे लिए नमूने के तौर पर हमें भेजे हैं कि तुम्हें ऐसा बनना है, इनकी अताअत करनी है, इन जैसा होना है, इनका तरीका इख्तियार करना है। तो आज हम जिसका तरीका इख्तियार करेंगे, जिसके तरीके पे चलेंगे, कल वो हमारा शाफे होगा। वो गवाह होगा हम पर कि ये मेरे रास्ते पर था। जिंदगी का असल मकसद जो है वो है ही बंदगी और कुछ नहीं है। बाकी तो जरूरत है, मकसद नहीं है। दुनिया जो है वो जरूरत है, ये मकसद नहीं है। हमने जरूरत को मकसद बना लिया और मकसद को जरूरत कर दिया कि जब कोई मुसीबत आए तो तस्बीह उठा लो, नमाजें पढ़ना शुरू कर दो। और जब टल जाए तो फिर कुछ और देखो कि अब क्या करना है।
अजीब लोगों की कैफियत है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि लो हम तो नमाजें पढ़ते हैं, हम रोजे भी रखते हैं, हम तो दीनदार भी हैं, फिर हम पे मुसीबत क्यों आती है? इसका मतलब है तू इसलिए नमाज पढ़ता है कि तेरे पे कोई मुसीबत ना आए, या इसलिए तू दीनदार है कि तुझ पे कोई मुसीबत नहीं आए? वो मुसीबत तो बनी दीनदारों के लिए है ताकि अल्लाह उनके ईमान को गर्म करता रहे। इसका मतलब यह है कि ना उन्होंने नमाज पढ़ी ना वो दीन पर आए। वही बात है कि उनके हलक में ही है, वो नमाज भी ऐसे ही पढ़ रहे हैं और ऐसे ही वो दीनदार हो रहे हैं बस। लोग ये समझते हैं कि भाई रोजा रखने से, नमाज पढ़ने से या वजीफे करने से मुसीबतें नहीं आएंगी। तो सबसे ज्यादा आजमाइश तो आई अंबिया पे। उनसे ज्यादा कौन नमाजें पढ़ता था, उनसे ज्यादा कौन तस्बीहें पढ़ता था, उनसे ज्यादा कौन करीब था अल्लाह के? ये कुछ नहीं है कि कोई वजीफा पढ़ेगा तो उस पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। वजीफा पढ़ा क्यों जाता है परेशानी में? परेशानी में वजीफा इसलिए पढ़ा जाता है ताकि हम उसको याद करें, और उसको याद करें तो हमारे दिल को एक ढारस, एक तसल्ली बन जाए कि जो मुसीबत है वो हमारे रब से ज्यादा ताकतवर नहीं है। वो रब है जो मुसीबत को दूर करने की ताकत और कुदरत रखता है। तो फिर वो मुसीबत हमारे लिए कम हो जाती है, हल्की हो जाती है, रहती जरूर है मगर हल्की हो जाती है। और फिर जब हम किसी की याद में गुम होते हैं तो तकलीफ कम हो जाती है थोड़ी सी उस वक्त, क्योंकि हमारा जहन दूसरी तरफ चला जाता है, हमारा लगाव दूसरी तरफ हो जाता है, हम अपने दुख को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। और फिर अल्लाह तबारक व ताला अपने उस जिक्र और उस कलाम की बरकत से जब नजर रहमत करता है तो मुसीबत सिमट जाती है और रहमत बढ़ जाती है। तो जब रहमत बढ़ती है हमारे अंदर तो उम्मीद बढ़ जाती है, और जब उम्मीद बनती है तो खौफ और हजन कम होता है। इसलिए वजीफा पढ़ा जाता है। क्यों? कि उसका नाम बरकत वाला है। क्योंकि बरकत खैर को बढ़ाती है और शर को घटाती है, कम कर देती है, समेट देती है। तो इसलिए हम पढ़ते हैं। तो ये बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि हमें हर हाल में उसका जिक्र करना चाहिए। बहादुर शाह जफर कहता है कि जफर उसको आदमी ना जानी हो, चाहे हो कितना साहिब फहम उस जिका, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहा। इंसान दो सूरतों में अल्लाह को भूलता है, एक ऐश में
और एक तैश में, दोनों में खुदा को याद रखने की जरूरत है, वरना इंसानियत से बाहर हो जाता है। कि जब गुस्सा आता है, तैश आता है, तो इंसान भूल जाता है ना सारी बातों को। ऐसा नहीं होना चाहिए। तैश में भी खौफ खुदा रख, उतना ही सामने वाले के साथ कर जितना तू बर्दाश्त कर सकता है। क्यों? कि तुझ पे भी एक अथॉरिटी मौजूद है, एक दिन तुझे भी गजब का सामना करना है। जब आज तू किसी पे गजबनाक होगा और उस पर रहम करेगा हालत गजब में, क्योंकि वो तुझसे कमजोर है, कल जब वो गजबनाक होगा तो वो तुझ पे रहम करेगा उस हालत में। इसलिए हमें अपनी हदों से नहीं निकलना चाहिए। हदों से निकलते हैं जानवर, इंसान नहीं निकलते कभी भी। इसी तरह याद इलाही में रहना चाहिए, चाहे कितना ही ऐश क्यों ना हो। क्यों? कि नेमत तो उसी की तरफ से है ना। अगर इसको कायम रखना चाहता है तो उसका शुक्र कर। बुजुर्ग कहते हैं कि नेमत एक वैशी दरिंदा है जो दुनिया में नेमतें हैं, उनके बारे में कहते हैं कि ये एक वैशी दरिंदा है, अगर तूने इसको सब्र शुक्र की जंजीर से नहीं बांधा तो ये तेरे काबू से निकल जाएगा और फिर तुझे भी नुकसान होगा और ये भी तेरे हाथ से चला जाएगा। असल जो मौजू था वो तज़किया था, और तज़किये की पहली सीढ़ी जो थी वो है भरोसा, तवक्कुल, पुख्ता अपने रब की तरफ रागिब होना। अब हम जितने जिक्र और अज़कार करते हैं और यकीने और रुजुए कल्ब से करते हैं, अल्लाह ताला उसकी बरकतें हमें अता करता है और निगाह रहमत हम पे करता है। तो जब अल्लाह ताला की निगाह रहमत हमारी तरफ होती है, हमारे कल्बों पर होती है, तो हमारे कल्बों को इत्मीनान हासिल होता है और ज्यादा इबादत की तरफ रग़बत होती है। ज्यादा अताअत की तरफ रग़बत होती है। इसीलिए सलासिल के अंदर बुजुर्गों ने अज़कार रखे, सलासिल में बुजुर्गों ने इसीलिए अज़कार रखे कि जो लोग उनके हल्का इरादत में दाखिल होते हैं वो गाफिल ना हो। तो उन्होंने वो मकबूल एमाल अज़कार
लोगों को बताए कि इस पर आओ, इसको अपना मामूल बनाओ। मकबूल अमल वो हैं जो फराइज में से भी हैं और नवाफिल मासूरा भी हैं, और वो जो बुजुर्गों के औराद और वज़ाइफ भी हैं। अच्छा, अब जो बुजुर्गों ने मामूलात मशायख के तौर पर दिए, वो अस्कार हैं कि जो उनके मामूलात रहे हैं, जिसकी वजह से उनको अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब और उसकी रहमतें हासिल हुई हैं और नेमत हासिल हुई है, जिसकी वजह से उनको, तो वो एमाल मामूलात मशायख कहलाते हैं। अच्छा, मकबूल आमाल जो बुज़ुर्गों के हैं, यानी कि जो बुज़ुर्गों की अपनी ज़िंदगी में कसरत से उन्होंने अस्कार किए और उस पर वो हमेशा कायम रहे, तो ये वो अस्कार हैं कि जिसके ज़रिए हमारे कल्ब में हलावत और हरारत पैदा होती है, हमारी तबीयत अतात और अज़कार की तरफ रुजू होती है, तो वो अज़कार कहलाते हैं मामूलात मशायख। अब वो मामूलात मशायख तमाम सलासिल में मुख्तलिफ होते हैं, हर सिलसिले के अपने एक तरीक़ेकार होता है, अपने एक औराद और वज़ाइफ होते हैं जो उनके मशायख से चले आ रहे होते हैं। तो इसी तरीके से हमारे सिलसिले में भी जो ख़ानदान कादरिया है, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, नक्शबंदिया, ये तमाम जो सलासिल हैं इनका एक मजमूआ है औराद का, वो कहलाता है मामूलात मशायख। अब उन्होंने उसकी जो तरतीब दी है हमें, तो हम उस तरतीब से उन मामूलात को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, उसका हमें क्या फ़ायदा होगा? उसका हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारा दिल इबादत और अतात में लगेगा, हमारा ज़्यादा वक्त अल्लाह का ज़िक्र करने में सर्फ होगा। अच्छा, जब हम किसी मामूल को अपनाते हैं और उसका बाकायदा तौर पर एक एहतमाम करके और उसको रखते हैं अपने औराद में और एहतमाम में, तो हमारा कल्ब उसकी तरफ रुजू होता है, रागिब होता है, और एक टाइम की पाबंदी करने से फ़ायदा ये होता है कि उस टाइम पे ऑटोमेटिक हमारा कल्ब उसकी तरफ चला जाता है, और जब उसकी तरफ हमारा कल्ब जाता है तो फिर हमें जो है अल्लाह तबारक व ताला की याद हर वक्त रहती है। देखो, एक होता है ज़बान से अदा करना और एक होता है इरादे से रुजू करना। जैसे कि एक शख्स फजर की नमाज पढ़े और फिर वो इस इंतजार में रहे कि जोहर की अजान कब होगी, और जोहर की अजान का इंतजार करता रहे, तो वो टाइम उसका इबादत में है। इसी तरीके से जो हमें बुजुर्गों ने अज़कार मुख्तलिफ नमाजों में पढ़ने के लिए बताए हैं या मामूलात में हैं, वो इसलिए हैं ताकि ये है कि हमें पांच वक्त जब हम उन अज़कार को अदा करें तो पांच वक्त नमाज पढ़ने की आदि भी हो जाएं हम।
और जब नमाज के बाद उन अजकार को पढ़ना है तो हम पहले नमाज फराइज अदा करेंगे, सुन्नत नवाफिल अदा करेंगे, फिर उन अजकार को अदा करेंगे, तो हम पाबंद वक्त होंगे। और जब वक्त की पाबंदी आएगी तो हमें वक्त की अहमियत का अंदाज़ा होगा। और जब बंदे को वक्त की अहमियत का अंदाज़ा होने लगता है ना, तो फिर उसका वक्त ज़ाया नहीं होता। मियाँ साहब फरमाते थे कि अपना वक्त ऐसे काम में लगाओ कि जो काम ज़ाया ना हो कभी भी। मैंने कहा ऐसा तो कोई काम ही नहीं है। भाई जो कभी भी ज़ाया ना हो वो कैसे हो सकता है ये बात? कहने के हो सकती है। मैंने कहा कैसे? फरमाया कि अपना वक्त जिक्र और अज़कार में लगाओ, जो तुम्हें तुम्हारे दुनियावी मशागिल के बाद वक्त मिलता है उसको जिक्र और अज़कार में लगाओ। और कहते थे फराइज कभी भी किसी दुनियावी मकसद की वजह से मत छोड़ना। ये कोई तुम्हें दुनियावी काम है तो तुमने फर्ज छोड़ दिया अपना, कभी नहीं करना ऐसा, दुनिया के काम छोड़ना मगर अपना फर्ज नहीं छोड़ना। दुनियावी मामलात छोड़ना, अपने मामूलात मत छोड़ना। क्यों? कि दुनिया का काम खत्म हो जाने वाला है, ये काम खत्म होने वाला नहीं है कभी भी। ये वो काम है जो तुमने करा, ये हमेशा रहेगा, लिखा गया ना, अब ये हमेशा ही रहेगा। ये तुम्हें यहां भी काम आएगा, ये तुम्हें वहां भी काम आएगा। तो फरमाते थे अपने वक्त को ऐसे मशागिल में रखो जो जाया ना हो। क्यों? ये फरमाते थे ये भी तकवे का एक अंदाज है। मोमिन वो होता है, ये सिफत मोमिन में से एक सिफत ये भी मौजूद है, वो लोग के जिनकी रूह और कल्ब बेदार होते हैं उनकी सिफात में से एक सिफत है कि वो अपने वक्त को जाया नहीं करते। वो वक्त की अहमियत को समझते हैं। इसीलिए हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं ना कि जो दम गाफिल सौ दम काफिर, मुर्शिद यही सिखाया हो। कि हम जबान से तो हर वक्त नहीं पढ़ सकते, बहुत सारी बातें भी करनी होती हैं और भी लोगों से, तो जबान से तो हर वक्त नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं अपने कल्ब में उतारो, और जब तक तुम्हारे कल्ब में ये नहीं उतरता तो अपने इरादे में रखो। अपने दिमाग में रखो इसको हर वक्त, अपने इरादे में रखो कि मुझे ये जिक्र करना है, मुझे ये जिक्र करना है, अब ये वक्त आ रहा है ये जिक्र करना है। उसके इरादे में, ख्याल में रहो, अपने ख्याल में रखो। ख्याल में रखना भी अमल करना ही है, क्योंकि इन्ना मिल अमाल बिन्नियात, अमलों का दौरो मदार उनकी नियतों पर है। इसके ख्याल में रहना भी अज़कारी करना है, जिक्र के ख्याल में रहना भी जिक्र करना है। तो इसीलिए मामूलात मशाइख की बड़ी अहमियत है। हम बहुत सारे चिल्ले भी काट लेते हैं, ज़कातें भी देते हैं, घंटों घंटों बैठ के पढ़ाइयाँ करते हैं, मामूलात नहीं करते। मामूलात मशाइख जो है, मशाइख के एमाल में, उनके अज़कार में शामिल होना है। जब हम मशाइख के मामूलात पर अमल करते हैं तो उनके मशागिल में शामिल हो जाते हैं हम। याद रखो कि दुनिया में जो चीज तुम्हें याद रहेगी
और जिसके ख्याल में मरोगे उसके ख्याल में उठोगे। ये ख्याल तुम्हारा नफ्स नहीं कर रहा, तुम्हारी रूह कर रही है। तो जब ये नफ्स को छोड़ देगी ना तब भी इसी ख्याल में होगी। तो लिहाजा इसीलिए क्यों कि हमारे ख्यालात हमारे इरादे बनते हैं। और हमारे इरादे हमारे अल्फाज बनते हैं और हमारे अल्फाज हमारी शख्सियत बनते हैं, हमारे अमाल बन जाते हैं। तो लिहाजा इस रास्ते में सबसे ज्यादा अपने ख्यालात की हिफाजत करना है। जिसने अपने ख्याल की हिफाजत करी उसने अपने कल्ब की हिफाजत करी। और जिसके ख्यालात पाकीज़ा हो गए उसका कल्ब पाकीज़ा हो जाता है। जिसका कल्ब पाक हो जाता है उसको तज़किया हासिल होने लगता है, उसको तकवा हासिल होने लगता है। ये भी एक तज़किये का हासिल करने का तरीका है कि अपने ख्यालात को आला और अच्छा कर लो। मौलाए कायनात अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं कि तेरी खिलवत तेरी जिलवत से ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। यानी कि तू जिलवत में लोगों में जितना पारसा है उससे ज्यादा पारसाई तेरी अकेले में होनी चाहिए, खिलवत में होनी चाहिए तेरी। उससे ज्यादा पारसाई तेरे ख्यालों में होनी चाहिए जितनी तेरी जबान पर है। क्यों कि ये तकवे की सिफात में से एक सिफत है। आई ना समझ में बात। सलूक की 10 बड़ी मंजिलें हैं, उन मंजिलों में से पहली मंजिल अपने ख्यालात को पाक करना है। बस और अपने मशाइख के मामूलात पर अमल करना। आदि से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि दुनिया में तुम जिससे मोहब्बत करोगे आखिर तुम्हारा उसी के साथ होगा, दुनिया में तुम जिसकी वजाकता इख्तियार करोगे आखिर तुम्हारा उसी वजाकता पे होगा। तो हम फिर क्यों ना वो वजाकता इख्तियार करें जो नेमत वालों की है, जो कामयाब लोगों की है, जो मकबूल लोगों की है। इस बात पर भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि ये मामूलात तमाम मुरीदीन तमाम खुलफा सब पर लाजिम है कि वो करें। देखो हर ममलुकत का एक कानून होता है और उसके कवायद और जवाबित होते हैं। तो इसी तरीके से सिलसिला भी जो है ना ये ममलुकतें ही हैं, एक ये शाराएं हैं, इनके भी कवानीन हैं, इनके भी जवाबित हैं। तो हम जिस रास्ते पे जिस शाहरा पे चल रहे हैं वो शाहरा कादरी है, वो शाहरा चिश्ती है, वो शाहरा शाजली है, वो शाहरा मदारवी है, वो शाहरा जो है इदरूसी है, जो भी है सोरवर्दी है नक्शबंदी है, उसकी हमें पासदारी करनी है। उसके कवायद की उसके जवाबित की हमने पाबंदी करनी है जब ही हम उस शाहरा के मुसाफिर कहलाएंगे। आई ना समझो बात। तो इसलिए मामूलात मशाइख जो है वो हमारे लिए
इसी तरह जरूरी है। आई ना समझ में बात कि जब हम किसी कानून को मानते हैं, किसी अब इरादत है ना ये हमारी कि हम बैत करते हैं, अपने आप को फरोख्त करते हैं। क्यों कर रहे हैं फरोख्त अपने आप को? इसीलिए ताकि अल्लाह और उसके रसूल तक रसाई हो जाए। तो अब उसकी जो जवाबित और कवायद हैं, जो बुजुर्गों ने, उस रास्ते के बुजुर्गों ने कायम किए, उस पर हमें अमल करना पड़ेगा। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम मामूलाते मशायख पर पाबंद हों, और जितने भी खुलफा हमारे हैं, उनके जितने भी मुरीदीन और मुतालकीन हैं, जो उनकी बात मानते हैं, जो उनसे वाबस्ता हैं, उनको भी तलकीन करना चाहिए इस बात की कि भाई आप लोग इस पर पाबंद हो, ताकि तुम्हारे अंदर इब्तिदाई रूहानियत तो पैदा हो, तुम्हारा दिल, तुम्हारा कल्ब तो अतात पे राजी हो, इबादत पे राजी हो, मन इस रास्ते पर आने का फायदा कुछ नहीं। अल्लाह ताला हमें समझने समझाने की तौफीक अता फरमाए और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल, ये शिजरे भी मौजूद हैं, जिनके पास शिजरे हैं उन सबके पास ये मामूलात हैं, और उसके अलावा हमने अपनी उस पर भी डाल दिया है, हाँ वो क्या फेसबुक वगैरह पे भी, जी जी जी, ये मामूलात हैं, ये डाल दिए गए, ताकि ये कि इसीलिए डाल दिए ताकि जो लोग हम तक नहीं पहुंच सकते हैं, दूर दराज हैं और वो हम तक रसाई नहीं कर सकते हैं, वो उसको वहाँ से ले लें, उस पर अमल करें, और उनको इजाज़त है, तमाम सलासिल के जितने भी लोग हैं उन सबको इसकी इजाज़त है इस बात की कि वो अपने मामूलात पे आएँ। अल्लाह ताला खैर अता फरमाए। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلوا عليه يا إله العالمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تحفے میں ہمیں ہر طرح کی ذلتوں سے، رسوائیوں سے، گمراہیوں سے، ہر طرح کی اموات ناگہانی، امراض ناگہانی، اموات ناگہانی، ہر طرح کی محتاجیوں سے محفوظ فرما، ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم میں جو لوگ جن جن معاملوں میں پریشان، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین، ہم میں جو لوگ تندرست ہیں ان کی فراغت عطا فرما، ان کو کشادگی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں جو لوگ ہم سے پہلے اس جہان فانی سے مومن مومنات، مسلم مسلمات، صالحین صالحات کچھ کر چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، انہیں اپنے جواہر رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو بقید حیات ہیں ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے قلبوں کو اپنی ہدایت کی طرف پھیر دے۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں اہل بیت آل رسول کی غلامی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں دنیا اور آخرت میں ان کے غلاموں میں اٹھا۔ یا الہ العالمین، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه، نور عرشه، زينه فرشه، قاسم رزقه، محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه۔ برحق لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا إله إلا الله، إلا الله.